आप लोगों ने नाम सुना है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के प्रथम संपादक, प्रधान संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान का साक्षात दर्शन उन्हें एक बार दो बार नहीं कई बार प्राप्त हुआ। उनकी स्थिति ऐसी थी पोद्दार जी महाराज की, उनकी गृहिणी भोजन लेकर आई, थाली सामने रखी है, भाई जी का नाम स्मरण करते करते भगवान की लीला में डूब गए, समाधि लग गई। माताजी पंखा लेकर बैठी हैं, पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, पूरी रात हो गई, 24-24 घंटे तक भाई जी की समाधि लगी रही। कहां तक है, शौचालय में गए वहां लीला चिंतन शुरू, वहां समाधि लग गई, कथा कहने बैठे समाधि लग गई। और कल्याण के संपादन के काल में जो विविध अंक प्रकाशित हुए भाई जी के समय में, उसमें जिस देवी देवता का उन्होंने स्मरण किया, कोई बात समझ में नहीं आई, वो देवता उनके सामने प्रकट हो गया। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उनको सत्संग देने पधारे। उनके जीवन के तमाम ऐसे प्रसंग हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री राधा बाबा का। राधा बाबा प्रेम में व्याकुल होकर वृंदावन जाना चाहते थे, भाई जी से बोले हम वृंदावन जाएंगे। भाई जी ने कहा आपकी अवस्था ऐसी नहीं जो आप वृंदावन जा सको। दिन रात रोना गाना तड़फना मूर्छा में चले जाना, ये तो आपकी दशा है, आपको वहां संभालेगा कौन, आप यहीं रहकर भजन साधन करो। बोले नहीं, आपने कई बार मने कर दिया, अब हम नहीं मानेंगे, हम जरूर जाएंगे। कहा सुनी हो गई, महात्मा भी हठी स्वभाव के होते हैं। महात्मा बोले जितने लोग बैठे उतने लोग तो शांति से सुनो। महात्मा बोले कि आप हमको भेजेंगे नहीं तो क्या हम वृंदावन नहीं जा पाएंगे? पैसा छूते नहीं थे राधा बाबा, आप टिकट नहीं कराएंगे, यही तो करेंगे आप, किसी व्यक्ति को साथ नहीं भेजेंगे, यही तो आप करेंगे। हम पूछ लेंगे वृंदावन किधर है, हम पैदल पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने मुस्कुरा कर कहा चलो हम भी देखते हैं आप कैसे जाते हैं, जाके देखिए। रात्रि में श्री राधा बाबा फिर व्याकुल हुए, साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहा बाबा रो क्यों रहे हो, वृंदावन के लिए रो रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है हनुमान प्रसाद पोद्दार का देह चलता फिरता वृंदावन है, जिसमें मैं निरंतर लीलायमान रहता हूं, युगल का नित्य विहार होता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार का हृदय चिद वृंदावन है और उसमें मेरा नित्य विहार होता है। चलते फिरते वृंदावन को छोड़कर वहां जाना चाहते हो? ठाकुर जी कह के अंतर्धान हो गए। अब बाबा ने रोना शुरू किया, रात भर रोते रोते सवेरे गए भाई जी के निकट गए। भाई जी बाबा को प्रणाम करते थे क्योंकि वे गृहस्थ थे, वैश्य थे और बाबा दंडी सन्यासी थे, विप्र शरीर था, इसलिए वो प्रणाम करते थे। बोले भाई जी अब आप प्रणाम मत करें। क्यों? बोले अब समझ में आया लोग आपको महाराज क्यों कहते हैं। लोग श्री पोद्दार जी को कहते थे श्री पोद्दार महाराज, आपको लोग महाराज क्यों कहते आज समझ में आ गया। आप महान राज छिपाकर बैठे हैं इसलिए आपको लोग महाराज कहते हैं। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक आप विराजमान हैं तब तक आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो जहां आपके शरीर का संस्कार किया जाएगा अपने शरीर के अंतिम क्षण तक वहीं निवास करूंगा, ठाकुर जी की आज्ञा है। और हुआ ऐसा ही, भाई जी का जब शरीर शांत हुआ
तो उनको राप्ती नदी के किनारे संस्कार नहीं किया गया, उनका संस्कार गीता वाटिका में किया गया। क्यों? सब लोगों ने विचार किया, भारतवर्ष की इतनी बड़ी विभूति श्री राधा बाबा वो श्मशान में जाकर के झोपड़ी बना के रहे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा की प्रतिज्ञा है, भाई जी के शरीर का संस्कार जाऊंगा वहीं जीवन भर निवास करूंगा। तो बाबा की कुटिया के ठीक सामने उनका संस्कार किया गया, परिसर के भी। भगवत साक्षात्कार की बात बड़ी विलक्षण है। आप संतों का संग कीजिए, सदगुरु की कृपा प्राप्त कीजिए, भक्तमाल के पावन भक्त चरित्रों का आश्रय लीजिए, उससे आपको वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिस जो दृष्टि यह पहचानने में समर्थ होती है अमुक संत भगवत प्राप्त संत है। एक व्यक्ति ने जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, बोला भाई जी हमने सुना है आपको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन हो गया, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? पोद्दार जी कुछ लिख रहे थे तो ऐनक आंख से निकाल के रख दिया, कलम हाथ में थी, उस व्यक्ति की ओर देखने लग गए। कब भगवान फिर से पूछिए क्या पूछ रहे हैं? बोले हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है, आप स्वयं स्पष्ट कीजिए इस संबंध में। भाई जी ने कहा इस संबंध में मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है। आपका प्रश्न हमें उत्तर अच्छा नहीं लगा। अरे हुआ हो तो कह दो हुआ हमको दर्शन, नहीं हुआ तो मने कर दो हमको दर्शन नहीं हुआ, लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। आप मौन क्यों कह रहे हैं कि मेरा मौन रहना ही श्रेष्ठ है? भाई जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और इस उत्तर से हम लोगों को यह समझ आनी चाहिए कि किसी संत के निकट जाकर यह प्रश्न नहीं करना चाहिए। भाई जी बोले यदि मैं ये कहता हूं कि मुझे भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है तो तुरंत आपके मन में आएगा अरे बनिया घर में पैदा हुए, कुछ लिख पढ़ गए, संपादन करने लग गए, अब प्रचार शुरू कर दिया, हमको भगवान का दर्शन हो गया। हम स्वीकार करें तो भी आपके चित्त में संदेह हो सकता है। बोले हमारे चित्त में तो नहीं होगा, हम तो श्रद्धा लेके आए। बोले तुम दूसरों से कहोगे उनके चित्त में संदेह होगा, होगा जरूर, झूठ बोल रहे हैं दर्शन हुआ, नहीं इनको दर्शन नहीं हुआ। और यदि हम ये कहें कि हमें दर्शन हो चुका है तो आप कहेंगे हो तो जरूर चुका है क्योंकि इतने संत इनके बारे में कहते हैं, पर दीनतावश नम्रतावश ये अपनी अनुभूति को छिपाना चाहते हैं। तो हम हां करें तो संदेह और ना करें तो संदेह, दोनों स्थितियों में संदेह की निवृत्ति तो होनी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा मौन रहना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। लेकिन हां इतनी बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कलिकाल में अनेकों संत ऐसे भये हैं जिनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, आज भी ऐसे संत हैं और आगे भी भगवत अनुभव प्राप्त संत अवतरित होते रहेंगे, इसको मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। और यह भी कह सकता हूं कि आप चाहो तो आपको भी प्राप्त होगा।